डायग्राम बनाने, डायग्राम बनाने की, क्योंकि ये डायग्राम बन जाएगा ना तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है कि डायग्राम बन जाए, ये तो बना हुआ दे दिया है क्योंकि तेरे पहला क्वेश्चन है, आगे किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, एक दो क्वेश्चन में है, 16 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन में डायग्राम है, बाकी इसी नहीं। अब देखना जो क्वेश्चन में बता रखा है उसी हिसाब से डायग्राम बनेगा। जैसे अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक पोल है वर्टिकल, ठीक है, इसमें से एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है नीचे से, ठीक, ये टाइटली स्ट्रेस्ड है मतलब बिल्कुल जितने कस के खींच सकते हैं उतने कस के खींची हुई है, और ये 20 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये ग्राउंड लेवल से इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, हाँ 30 डिग्री झुका हुआ। तो कहा है कि इसकी वो बताओ पोल की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी कुछ भी, ठीक। अब ए बी हमें दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना क्या ए बी सी 30 लगा रखा है तो बी दे दे, हाँ तो बी क्या है, ए बी सी तो है कोई है, हमें निकालना ए सी। अब कैसे निकलेगा, अब कैसे निकलेगा ये देखना है, ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बराबर। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए, हमारे पास हाइपोटेनस दिया है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आता है, क्या ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आता है, ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू, हाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पूछा मैंने, ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखाया होगा मैंने, तो 6 के 6 लिखा है, थीटा की वैल्यू, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू हो गया 30, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हमें हाइपोटेनस दे रखा है 20, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है पता ही नहीं, 1/2 होती है, इज इक्वल टू AC अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 उधर चले जाएगा, तो ये 20 अपॉन 2 AC की वैल्यू 10 मीटर कर रहे हैं हमने इसको किस में, अच्छा 20 को 20 को उधर भेज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर AC ना गया, हां AC डायमीटर आएगा, डायमीटर AC डायमीटर आएगा, डायमीटर AC AC एसी डायमीटर, एसी डायमीटर है 10 मीटर, हाँ तो डायमीटर उतना ही रहता है, तो नीचे लिख देना लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, खत्म आंसर, बस थोड़ा सा बनाया तो आएगा बेटा, आएगा सब आएगा, करो हाँ टोटकी का उसके हेड था ना पूरे की, एक पेड़ था वहां तूफान आया, पेड़ जो था बीच में से टूट गया, टूटा हुआ हिस्सा ऐसे करके ग्राउंड में लग गया, और इसकी डिस्टेंस जो है 8 मीटर की है, टूटे हुए हिस्से ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब कहा है पेड़ की हाइट बताओ, अभी एक्चुअल पेड़ की है, एक्चुअल पेड़ की, पूरे पेड़ की, पूरे पेड़ की, ये टूटा हुआ सही, पूरे पेड़ की, पूरे पेड़ की टूट के गिरा हुआ क्या है। अब इसका एंगल को मान लेते हैं, ये ए ये बी ये सी, ठीक है। अब क्या है, ये सी पॉइंट एक्चुअल में यहां होगा, क्योंकि यहीं से तो हिस्सा टूट के यहां गिरा है,
ये चल इतनी से भी मत मानना यार, ये तो कंफ्यूज करेगा तुम। ठीक, अब लेंथ ऑफ ट्री क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्री होगी ए बी प्लस ए सी होगी। बराबर, कोई दिक्कत? इसमें से ये हिस्सा प्लस करेंगे तो टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्री निकलेगी। ठीक, BC दिया हुआ है 8 मीटर, एंगल ACB दिया हुआ है 30 डिग्री, दीवार होगा ABC का। तो क्या करते हैं, कैसे होगा? हमें ये हिस्सा भी चाहिए, ये हिस्सा भी चाहिए, हमारे पास बेस है खाली, तो कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला? थप्पड़ मारो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे लग जाएगा? सबसे पहले इस ट्रायंगल में लगाते हैं 10-30 लगाते हैं, 10 थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10-30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, यानी कि ये AB है, बेस है AB। 10-30 की वैल्यू कितनी होती है? क्या होता है? 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 8, AB इज इक्वल्स टू 8 अपॉन रूट 3। पिछले साल एक चीज पढ़ी होगी कि डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट में नंबर आता है तो उसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज क्या होता है? वो 3 into 3। AB is equals to 8 upon root 3। डिनोमिनेटर में रूट में नंबर अच्छा नहीं लगता है या वो नहीं होता है, तो इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 8 root 3 upon 3। ठीक, अब क्या करते हैं? हमें AC भी चाहिए। AC क्या है? हाइपोटेनियस, और BC जो है 8, ये बेस है। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें हाइपोटेनियस और बेस आता है? साइन, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये होता है कॉस, कॉस cos 30, cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ना। हाँ, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3, बेस है 8 या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 8 into 2/3 यानी कि 16/3। फिर से इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 16/3 ठीक है। अब लेंथ ऑफ ट्री क्या थी? ए बी प्लस ए सी, ए बी की वैल्यू 8√3/3 प्लस BC की वैल्यू 16√3/3, इसको प्लस करेंगे तो 24√3/3 8√3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछियो। कहीं नहीं आया तो पूछ ले, दोबारा बताना है तो दोबारा बताओ। प्लस कैसे करा दिया? प्लस कैसे करा? रूट थ्री कॉमन ले लेना, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, करो। और इसमें रूट थ्री की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, अगर रखना होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि रूट थ्री की वैल्यू कितनी रखो, ये तो मत रखो। एट रूट थ्री मीटर, रूट थ्री है तो सही है अपनी जगह, वैल्यू नहीं रखनी उसकी। बस एट मीटर क्यों हो गई? एट रूट थ्री मीटर, रूट थ्री की वैल्यू होती है, अगर क्वेश्चन में दी होगी तो तुम्हें इसमें 8 into वो वैल्यू रखनी होगी, फिर आंसर मल्टीप्लाई।
करके निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए तो इतना आंसर सही है। अच्छा, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है। ठीक है, करो नोट। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसको प्रोजेक्ट मिला दो स्लाइड लगाने का। स्लाइड क्या होता है, वो जो बच्चों वाला झूला है, एक तरफ सीढ़ी से चढ़ो दूसरी तरफ से सिर जाओ, वो वाला झूला लगाने का उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो उसने उससे कहा कि तुम्हें दो झूले लगाने, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के। ठीक है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हूज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। And is inclined to an angle of 30 degrees to the ground. Where ये था below 5 year old के लिए। Whereas for elder children she want to have a steep slide at height of 3 meter. बड़ों के लिए इसने 3 मीटर की हाइट पर लगाया था। इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये था एडलर चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे ये कहा कि तुम्हें दो स्लाइड लगानी है, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है वो 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए। ठीक, और उसका जो जमीन से एंगल है वो 30 डिग्री का बनना चाहिए। और जो 5 साल से बड़े बच्चों की हाइट के लिए स्लाइड है वो 3 मीटर ऊंची होनी चाहिए और उनका जमीन से एंगल 60 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, अब कहा है कि स्लाइड की लेंथ निकालो दोनों केसेस में। ठीक, स्लाइड की लेंथ निकालो मतलब ये है स्लाइड, यहां पे से कोई आएगा ऐसे झूल के नीचे जाएगा, यहां से आएगा यहां से झूल के जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में हमें ए बी दिया हुआ है 1.5 मीटर और एंगल ए सी बी दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें निकालना है ए सी, कैसे निकलेगा?